हेलो फ्रेंड, मैं सुरेंद्र सिंह अपने चैनल GS इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। आज मैं इस वीडियो में आपको डेल्टा में के एसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में बेसिक पैरामीटर सेटिंग एंड टर्मिनल कंट्रोल वायरिंग के बारे जानकारी दूंगा। ठीक है, मेरे पास डेल्टा में के एसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। इसका जो मॉडल है वो VFDL है। इसकी जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है जो इस प्रकार है, इसका जो मॉडल है VFD004L21A है। और जो इसकी इनपुट यदि हम लोग सिंगल फेज देते हैं तो 6.5 एम्पीयर के लिए रेटेड है, और जो थ्री फेज देते हैं 2.7 एम्पीयर के लिए रेटेड है। और इसकी जो वोल्टेज रेंज है 200 से 240 वोल्ट है, और जो फ्रीक्वेंसी है 50/60 हर्ट्ज के लिए है। और जो इसकी जो आउटपुट है वो थ्री फेज है, और जो वोल्टेज रेंज है 0 से लेकर 240 वोल्ट तक का है, तो 2.5 एम्पीयर के लिए रेटेड है, और 1.0 kVA 0.5 HP के लिए रेटेड है। फ्रीक्वेंसी रेंज ये है वो 1 से लेकर 400 हर्ट्ज तक है। इसमें बेसिक पैरामीटर सेटिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बेसिक पैरामीटर की एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जो कि इस प्रकार है। इस बेसिक पैरामीटर सेटिंग की लिस्ट में हम लोगों ने एक नंबर ऑफ ग्रुप्स है और उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर है जो सिलेक्ट किए हुए हैं जो इस प्रकार है। पैरामीटर जो है सेटिंग करने के लिए हम लोग है जो सबसे पहले प्रोग्राम कम डाटा की जो है उसको एंटर करेंगे। एंटर करते ही ग्रुप जीरो जो है डिस्प्ले होगा, फिर एंटर करेंगे 0-00 डिस्प्ले होगा। ग्रुप जीरो जो है यूज़र पैरामीटर है, इसके 0-02 में पैरामीटर रीसेट करेंगे। रीसेट करने के लिए हम लोग जो है प्रोग्रामिंग में 10 फीड करेंगे, रीसेट पैरामीटर टू फैक्ट्री सेटिंग हो जाएंगे। इसके लिए जो है हम लोग आपकी की हेल्प से 0-02 में जाके एंटर करेंगे। जैसे कि 0 डिस्प्ले हो रहा है, अब की हेल्प से इसको 10 सेलेक्ट करेंगे। टेंथ सेलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। इस प्रकार हमारी VFD में जितने पहले पैरामीटर सेव हो गए और रीसेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर एंटर करेंगे की और अप की हेल्प से 0-03 में जाएंगे। जीरो डैश जीरो थ्री स्टार्टअप डिस्प्ले ऑफ एसी ड्राइव है। यदि हम लोग 0 सेलेक्ट करेंगे तो F फ्रीक्वेंसी कमांड होगा डिस्प्ले, यदि 1 करेंगे तो H आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा डिस्प्ले, यदि 2 करेंगे तो यूजर डिफाइन यूनिट है, 3 करेंगे तो A एम्पियर जो है आउटपुट करंट डिस्प्ले होगा। मगर हम लोग जो है 0 सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए एंटर करेंगे ठीक है। ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट 0 है। यदि आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं अपने सिलेक्शन के अकॉर्डिंग तो आप एंड डाउन की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर हमारी रिक्वायरमेंट 0 की है। 0 सेलेक्ट करने के बाद एंटर की जो है हम लोग प्रेस करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है मोड की प्रेस करेंगे और आप की हेल्प से ग्रुप 1 में जाएंगे और एंटर करेंगे की 1-00 जो है डिस्प्ले होगा। ग्रुप 1 जो है बेसिक पैरामीटर का है, इसमें 1-002 1-003 ऐसे नंबर ऑफ पैरामीटर है जिनकी सेटिंग करेंगे हम लोग। पहले हम लोग जो है ग्रुप 1 के 1-00 में जाएंगे, जिसमें कि मैक्सिमम ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे
जिसकी रेंज 50 से लेके 400 हर्ट्ज तक है। इसको जो है हम लोग 1.00 में को एंटर करेंगे और जैसे कि 60 हर्ट्ज बाय डिफ़ॉल्ट है उसको कम करके 50 हर्ट्ज करेंगे, क्योंकि हमारी जो मोटर है उसकी जो रेटेड फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज जो सेलेक्ट करेंगे और फिर एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद आपकी हेल्प से हम लोग वन डैश जीरो टू में जाएंगे। तो 1-02 है, 1-02 जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज है जिसकी रेंज 2.0 से 255 वोल्ट है। हमारे पास जो मोटर है उसकी जो रेटेड वोल्ट है 230 वोल्ट है। एंटर करें कि जो वाई डिफॉल्ट है 220 है, इसको आपकी हेल्प से 230 सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। उसके आपकी की हेल्प से 1-09 में जाएंगे। 1-09 जो है 1-09 एक्सलेशन टाइम है जिसकी रेंज 0.1 से लेके 600 सेकंड है और एंटर करेंगे। वाइड फॉर्ड जो 10 सेकंड सेलेक्ट है, मगर हमारी रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग टू 5 सेकंड की, इसलिए 5 सेकंड सेलेक्ट करेंगे। फाइव सेकंड सेलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद 1-10 में जाएंगे। 1 का जो पैरामीटर 1-10, इसमें डी एक्सलेशन टाइम जो है सेलेक्ट करते हैं जिसकी रेंज 0.1 से 600 सेकंड है। एंटर करेंगे कि बाई डिफॉल्ट 10 सेकंड है, इसको 5 सेकंड अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग टू हमने सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। इसके बाद जो है 1-10 का कंप्लीट हो जाएगा और मोड की प्रेस करके आपकी के हल्के सेकंड ग्रुप में जाएंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे कि 2-00 डिस्प्ले होगा। 2-00 है सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कमांड है। यदि 0 करेंगे तो डिजिटल कीपैड होगा सिलेक्ट, 1 करेंगे 0-10 वोल्ट फ्रॉम ABI, 2 करेंगे तो 4-20 मिली एम्पियर फ्रॉम ABI और 3 करेंगे तो कंट्रोल्ड बाय VR ऑन ड्राइव होगा और 4 करेंगे तो RS485 कम्युनिकेशन इंटरफेस होगा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल 0 डिजिटल कीपैड सेलेक्ट करके जो फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। वाई डिफॉल्ट 0 है, 0 सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे और मूव और की हेल्प से एग्जिट हो जाएंगे। अभी अप एंड डाउन की हेल्प से फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करेंगे। पहले रन की कमांड देंगे, जैसे रन की कमांड देंगे तो रेड इंडिकेशन जो है रन के सामने डिस्प्ले होगा। डाउन की हेल्प से जैसे आप देख रहे हैं कि डाउन और अप की से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक की पैड से हम लोग जो है कर सकते हैं, मगर पोटेंशियोमीटर से नहीं अभी होगी, सिर्फ अप एंड डाउन की से ही फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। अभी हम लोग जो ड्राइव के ऊपर पॉट है उसकी फ्री जो है पैरामीटर सेटिंग करेंगे। इसके लिए 3 हमारे को सेलेक्ट करने पड़ेगा जो कंट्रोल्ड बाय VR ऑन ड्राइव होगा। इसको 3 सेलेक्ट करेंगे। थोड़ी पहले ड्राइव को बंद करना पड़ता है, उसके बाद प्रोग्राम सेट होती है। अभी एंटर की प्रेस करेंगे।
और आपकी की हेल्प से इसको थ्री करेंगे और इंटर करेंगे। ऐसे जो है मोड की से एग्जिट हो जाएंगे, अभी रन करेंगे। रन की कमांड देने के बाद पोटेंशियोमीटर से कम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम लोग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्टॉप करेंगे। फिर एंटर की से फिर वो सेकंड में जाएंगे, फिर एंटर करेंगे। और अभी हमने एक्सटर्नल टर्मिनल पे करना है इसको सेलेक्ट। एक्सटर्नल टर्मिनल पे सेलेक्ट करने के लिए 2-00 पर हम लोग है 1 सेलेक्ट करेंगे। 0 से 10 वोल्ट फ्रॉम AVI सेलेक्ट करेंगे। अभी इसके लिए 1 फीड करना पड़ेगा। डाउन की हेल्प से इसको 1 करेंगे और एंटर करेंगे। अभी देखिए पोटेंशियोमीटर से फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा नहीं होगी, ना ही अप एंड डाउन की से होगी, सिर्फ एक्सटर्नल टर्मिनल से ही होगी। उसके बाद आपकी की हेल्प से 2-01 में जाएंगे। 2-01 है सोर्स ऑफ ऑपरेशन कमांड है। यदि 0 करेंगे तो वाया डिजिटल कीपैड है, और 1 करेंगे वाया एक्सटर्नल टर्मिनल कीपैड स्टॉप अनेबल है। ऐसे नंबर ऑफ जो है ऑप्शंस है, मगर हमें एक्सटर्नल टर्मिनल से अपडेट करना है, इसलिए वाया एक्सटर्नल टर्मिनल कीपैड स्टॉप अनेबल करने के लिए 1 फीड करेंगे। इसको आप की हेल्प से 1 करके और एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद जो है 2-02 में हम लोग जाएंगे। 2-02 है स्टॉप मेथड है। 0 करेंगे तो रैंप स्टॉप हो सेलेक्ट होगा, 1 करेंगे तो कॉस्ट स्टॉप होगा, मगर हमने 0 रैंप स्टॉप सेलेक्ट करना है। बाई डिफ़ॉल्ट भी 0 सेलेक्ट होता है। यदि आप कम करना या ज़्यादा करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं। मैंने 0 करने के बाद एंटर करेंगे, उस पर हम मोड की प्रेस करेंगे और आपकी की हेल्प से ग्रुप 3 में जाएंगे और एंटर करेंगे। 3-03 में जाएंगे। ग्रुप 3 का आउटपुट फंक्शन पैरामीटर है 3-03। मल्टी फंक्शन जो रिले आउटपुट करेंगे सेलेक्ट। 0 नॉट फ्यूज है, 1 करेंगे तो ए सी ड्राइव ऑपरेशनल हो जाएगी। 2 करेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी 10। मगर वाइड फॉल्ट जो होता है 8 सेलेक्ट होता है फॉल्ट इंडिकेशन, मगर हम लोग इसको 1 सेलेक्ट करेंगे ए सी ड्राइव ऑपरेशनल। इसके लिए एंटर की करेंगे और डाउन की हेल्प से 1 सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग जो है मोड की प्रेस करके आपकी हेल्प से ग्रुप 4 में जाएंगे। ग्रुप 4 के 4-04 में जाएंगे। ग्रुप 4 जो है इनपुट फंक्शन पैरामीटर है। 4-04 जो है मल्टी फंक्शन इनपुट टर्मिनल 1 की हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। 0 नॉट फ्यूज है, 1 है तो 2 वायर जो है फॉरवर्ड कम स्टॉप होगा और क्या M1 रिवर्स स्टॉप होगा, और 2 करेंगे तो M0 रन स्टॉप होगा। 3 सेलेक्ट करेंगे तो M0 M1 M2 3 वायर ऑपरेशन कंट्रोल मोड सेलेक्ट करेंगे। ऐसे नंबर ऑफ ऑप्शन है, मगर हम लोग जो है 3 सेलेक्ट करेंगे टर्मिनल से ऑपरेट करने के लिए 3 वायर ऑपरेशन या कंट्रोल कमांड के लिए। इसको एंटर करेंगे और आपकी की हेल्प से 3 सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। इसलिए 4-04 के बाद ग्रुप 7 में जाएंगे। ग्रुप 7 में 7.00 के जो डिस्प्ले हो रहा है, ग्रुप 7 में हम लोग जो है मोटर पैरामीटर जो है वो सेट करेंगे। 7.00 मोटर रेटेड करंट है, जिसकी 30 से लेकर 120% सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग टू। इसको एंटर करेंगे, वाइड फॉल्ट 85 होता है। इसको हम लोग जो है 80 सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। और 7-01 जो है इसमें जाएंगे,
7-010 मोटर नो लोड करंट है जिसकी की रेंज 0 से लेकर 90% होती है। अभी एंटर की प्रेस करेंगे और जो 50% है इसको हम लोग अपनी एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू कम करेंगे या ज़्यादा कर सकते हैं। हम 30% सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। इस प्रकार हमारी ड्राइव में जितने भी बेसिक पैरामीटर थे वो सेटिंग हो चुके हैं। अभी मोड की प्रेस करेंगे और मेन डिस्प्ले पे आ जाएंगे। जैसे कि आप ये डायग्राम दिख रहे हैं, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी कमांड के लिए जो पोटेंशियोमीटर 10 किलो ओम का लगाया हुआ है और थ्री वायर ऑपरेशन कंट्रोल मोड के लिए ऑन ऑफ स्विच बटन लगाया हुआ है। ये पोटेंशियोमीटर जो है 10 किलो ओम का है और ये ऑन स्विच बटन है, ये ऑफ स्विच बटन है और ये इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाया हुआ है। ये पोटेंशियोमीटर के लिए और ये थ्री वायर ऑपरेशन जो है कंट्रोल मोड के लिए है। अभी सबसे पहले हम लोग पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया, बताएंगे कैसे कनेक्ट किया। जो रेड कलर वायर जो इसको पॉजिटिव 10 वोल्ट दिए हुए और सेंटर जो पोटेंशियोमीटर की आउटपुट है इसके ब्लू कलर वायर है लगाया हुआ है जो AVI पे कनेक्ट किया हुआ है ब्लू कलर वायर को। और जो जैसे कि आप देख रहे हैं रेड पॉजिटिव 10 वोल्ट पे और जो वाइट ब्लैक कलर वायर है उसको ग्राउंड टर्मिनल पे कनेक्ट किया हुआ है। ग्राउंड टर्मिनल पे ब्लैक कलर वायर कनेक्ट की हुई है। ये जो स्विच है इसको वोल्टेज की तरफ हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं 0 to 10 वोल्ट AVI करने के लिए। अभी लोग हम लोग यह पोटेंशियोमीटर की हेल्प से चेक कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो रही है। देखिए आप अभी कम ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। अभी हम इसको 0-0 कर देंगे। हमारा जो पोटेंशियोमीटर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के लिए रेडी है। ये थ्री वायर ऑपरेशन कंट्रोल मोड करेंगे। अभी ये ऑन टू स्विटन है, इसका NO एलिमेंट है। ये ऑफ टू स्विटन है, इसका NC एलिमेंट है। NC एलिमेंट के वन साइड के ऊपर हम लोग ग्राउंड कनेक्ट करते हैं। सेकंड टर्मिनल को जो है NO के फर्स्ट के साथ लूप करते हैं और ऑफ टू स्विटन का जो NC है उसकी आउटपुट M2 पे कनेक्ट करते हैं। और जो NO एलिमेंट ऑन है उसका जो सेकंड टर्मिनल है उसको M0 पे कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप इसे डायग्राम में भी देख रहे हैं ये BFD के M0 M2 और ग्राउंड है जिसको कि स्टॉप छोटे NC के वन साइड पे कनेक्ट किया, सेकंड साइड NO के साथ लूप किया हुआ है और जो NC की आउटपुट है उसको M2 पे कनेक्ट किया हुआ है और जो स्टार्ट छोटे है उसकी आउटपुट है जो M0 पे कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारा ऑन पिच बटन है, ये ऑफ पिच बटन है। ये ऑन पिच बटन का NO एलिमेंट है, ये ऑफ पिच बटन का NC एलिमेंट है। NC एलिमेंट के टर्मिनल 1 पे हम लोग जो है ग्राउंड वायर कनेक्ट करेंगे और सेकंड टर्मिनल को NO के फर्स्ट के साथ लूप करेंगे और लूप करने के बाद जो वाइट कलर वायर है जैसे कि आप देख रहे हैं उसको M2 पे कनेक्ट करेंगे। और जो NO एलिमेंट की आउटपुट है ऑन पुश बटन के उसको येलो कलर वायर को हम लोग है जो M0 पे कनेक्ट करेंगे। तभी हम लोग है स्टार्ट करके देखेंगे। स्टार्ट करते ही हमारा जो है रन के सामने रेड इंडिकेशन जो है ब्लिंक होगा और ऑफ करते ही जो रेड इंडिकेशन जो है चले जाएगा। अभी हम लोग इसको ऑन करेंगे और पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फ्रीक्वेंसी रेज करेंगे। आप देखेंगे कि रेज करते ही हमारी जो मोटर है वो रन हो गई है।
J50 या फ्रीक्वेंसी पे फुल जो है रन हो रही है, फिर के 50 या फ्रीक्वेंसी हमने किया हुआ है। अभी हम लोग इसको ऑफ करेंगे, ऑफ करते ही जो रन के सामने इंडिकेशन और ब्लिंक होगी, उतनी देर ब्लिंक होगी जितनी देर डी एक्सलेशन टाइम दिया हुआ है। डी एक्सलेशन टाइम कंप्लीट होते ही जो मोटर हमारी है स्टॉप हो जाएगी। इस प्रकार जो हमारा एक बेसिक प्रोग्रामिंग और कंट्रोल टर्मिनल की वायरिंग हो चुकी है। ओके, थैंक्स।